बात करते हैं यार आइसर की। हाँ जी, आइसर का क्या अपडेट रहा है? तीसरा राउंड आ चुका है, कितना कट ऑफ गया भैया? हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा इस बार? लास्ट तक कितने राउंड तक पहुंच जाएगा वैसे? हाँ जी, अगर आप पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। हाँ जी, जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी में देखोगे, आइसर बेरमपुर का सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है। हाँ जी, ऑलमोस्ट बेरमपुर 2329 पे खत्म हुआ है। हाँ जी, 2329 पे खत्म हुआ है। वही अगर पहले अगर बात करें दूसरे राउंड के अंदर, ये 1700 पे खत्म हुआ था। टोटल गैप कितना भैया? 600 रैंक का उछाल देखने को मिला है। मार्केट के अंदर मिला 600 रैंक का उछाल दूसरे राउंड और तीसरे राउंड के अंदर। वैसे अगर टॉप आइसर्स की अगर बात की जाए, जैसे पुणे जैसे आइसर है, वो ऑलमोस्ट 491 तक की रैंक के ऊपर अभी तक रह चुके हैं। वही अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें, जनरली पिछले साल जो है ऑलमोस्ट आइसर्स क्लोज हुए थे वो 1400-1500 की रैंक पे क्लोज हो चुके थे। हाँ जी, इस बार ओबीसी कैटेगरी में जो आइसर वो ऑलमोस्ट 1200 पर क्लोज हुआ है। बेरमपुर की अगर बात करें, ठीक है, सबसे लोएस्ट मार्क्स पे अभी अगर क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी ऑलमोस्ट 230 तक पहुंच चुकी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पहुंच चुका है, ठीक है, आप बिलीव नहीं कर सकते, 440 जो कि काफी ज्यादा माना जाता है। हां, ईडब्ल्यूएस, एससी, जनरल, वैसे आपको काफी ज्यादा रुझान अभी और देखने को मिलेगा। जैसे आपका थर्ड राउंड आ चुका है, लेकिन आपका अगर पांचवा राउंड जैसे आएगा, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर टॉप स्टूडेंट अपनी सीटें बुक कर लेंगे जोसा के अंदर। और जो सीसीएफ वाला राउंड है, जैसे सीसीएफ खत्म हो जाएगा फिर भी आइसर चलता रहेगा। जनरली आइसर के अंदर आप अगर मान के चलो कितने राउंड हो सकते हैं भैया, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 4-5 राउंड दिखा रहा होगा। जी, वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 4 राउंड तक अपडेट रहता है। वैसे आपका जो है इस बार रैंक की अप्रोक्स अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो भैया 5000 क्रॉस कर सकता है, 5000 तक रैंक पे जा सकता है जनरल वाले बच्चों के लिए। ये सिर्फ एक्सेप्टेशन है। हालांकि आपको बहुत सारी सीटें ऐसी देखने को मिल रही होगी, जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, जहाँ पे ऑलमोस्ट सीटें ब्लॉक हो रही है। जैसे फोर्थ राउंड आएगा, बहुत सारी आइसर्स की, बहुत सारी फील्ड की सीटें ब्लैंक शो कर देगा, भाई कोई सीट नहीं बची। आपका जो जेई चैनल का जो राउंड था यार, हमारे पास काफी सारे पेरेंट्स के बच्चों के सवाल भी आते हैं इसके रिगार्डिंग, कि भैया हमारा ये रैंक है, हाँ जी हमारा 2000 है, 2500 है, 3000 है, 800 है, 500 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, क्या हमको आइसर अलॉट होगा, क्या हमको आइसर मिलेगा? और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि यार मेरे को आइसर अलॉट होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि मेरे को आइसर तो नहीं मिलने वाला, मैं क्या करता हूँ, मैं जोसा में ले लेता हूँ, मैं सीसीएफ में ले लेता हूँ, मैं सीयूईटी में ले लेता हूँ, या फिर अदर कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में अपनी सीट बुक करके चलूं, क्योंकि अगस्त का महीना आ चुका है अभी। हाँ जी, अगस्त के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, तो हम वेट क्यों करें? कॉलेजेस अपनी फीस भी बढ़ा देते हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं देते हैं। इसके लिए हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसके अंदर आपको यह भी बता दिया जाता है भैया आईसर से तू गर-गर करेगा और एनआईटी से करेगा, आईआईटी से करेगा, कितना ज्यादा डिफरेंट है, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, नौकरी किसके अंदर है, बेटर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर है। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, HAPPY23। आप जैसे ही कोड यूज करोगे, हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम 1999 से डायरेक्टली 499 के अंदर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके कंप्लीट क्वारीज का सॉल्यूशन, आपको आइसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, देन आपके पास क्या ऑप्शन है भैया, कौन से इंस्टीट्यूट है, हमको रिसर्च बेस ऐसे कुछ कोर्सेज में जाना है, हाँ रिसर्च भी कर सके, एसी फील्ड के अंदर में मजा भी आता है। हाँ जी भैया, रिसर्च बेस कौन से इंस्टीट्यूट है, IISc, ISI, CMI, ISER, NISER और भी ISES, इनके अंदर क्या प्रोसेस है, हाँ, और डायरेक्ट बेस कौन कौन से अच्छे अदर कॉलेजेस, अदर फील्ड, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पिन कमेंट में भी लिंक है, हेल्पलाइन हमारा दिया गया है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।